क्या हाल है दोस्तों, सही कट रही या नहीं? और अगर नहीं भी कट रही है सही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी बस काट लो यार किसी तरीके से, इसके बाद लेना फुल मौज। खैर मुद्दा क्या है? मुद्दा जानने से पहले, एक यूट्यूबर है, बहुत ही अच्छा यूट्यूबर है, वो जापान में रहता है, और थंबनेल देख के थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा, टाइटल देख के थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए ना अगर, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उस यूट्यूबर के चैनल का लिंक है, जाओ। और अभी तक दो वीडियो इस टॉपिक पर आ चुकी हैं, दोनों जाकर देखो, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है उसने। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आई थी जिसने बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कैंडी फॉक्स चैनल का नाम है और वीडियो का नाम था करी पुलिस। तो हुआ क्या उसमें, अब पता नहीं, अब तो वीडियो मेरे ख्याल से हट चुकी है, और हटी भी नहीं है, प्राइवेट हुई है। अगर मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, अगर अब आप उस वीडियो को सर्च करोगे ना तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, दिस वीडियो इज प्राइवेट, ठीक है? यानी कि वीडियो हटी भी नहीं है, उसे सिर्फ प्राइवेट किया गया है ताकि ज़्यादा उस वीडियो पर डिसलाइक ना आ सके। मैंने लास्ट टाइम जब देखी थी उस वीडियो पर तो काफ़ी डिसलाइक आए हुए थे, काफ़ी अच्छा लगा कि लोगों ने आकर इस टॉपिक पर, इस मुद्दे पर बोला और रिपोर्ट किया, उस वीडियो को रिपोर्ट किया, उस पर डिसलाइक लेकर आए और उस चैनल को भी रिपोर्ट किया। दोबारा आप लोगों से बोलता हूँ कि उस चैनल को जाकर ज़रूर रिपोर्ट करना, क्योंकि वो कैंडी फॉक्स ना सिर्फ हमारे ऊपर नहीं बनाया उसने, उससे पहले भी उसकी वीडियोज़ देखना, उसकी क्रिएशंस देखना, वो इसी टाइप की बिल्कुल ही बेकार चीज़ें बनाता रहता है और उस पर कोई बोलने वाला कुछ नहीं है। मतलब यूट्यूब है तो उसको जैसे भी चाहे इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत वाली, क्योंकि यूट्यूब ने तो हाथ खड़े कर रखे हैं। वैसे तो यूट्यूब कहता है कि मैं 24 आवर्स जो है ना मॉनिटर करता हूँ ऐसी कोई भी क्रिएशंस को लेकर, या फिर कोई भी ऐसा कंटेंट आता है, पर उसकी भी एक एल्गोरिथम है, चलो वो भी अपने हिसाब से चलता है, तो उसको वो नहीं कर पाता किसी तरीके से, चलो छोड़ो। लेकिन कोई नहीं भैया, हमारी तो जिम्मेदारी है ना, तो जाके जरूर रिपोर्ट करना उस चैनल को। वीडियो तो चलो अभी के लिए प्राइवेट हो रखी है, लेकिन वो भी गलत है। अभी हाल ही में एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया की तरफ से उनका फेसबुक पोस्ट देखना, और उसमें उन्होंने यही सब बोला कि यार सिंसियर अपोलॉजीज, और काफ़ी हर्ट हुआ है हमारे जो इंडियन फ्रेंड्स हैं उनके कल्चर को लेकर और ये सब। बस हो गई अपोलॉजी, ख़त्म, इतना ही था। अरे भैया वीडियो प्राइवेट हुई है, लोगों ने डाउनलोड कर ली होगी, लोग मज़े ले रहे हैं उस पर अभी भी। वही वाली बात है ना कि यार एक बार चीज़ हो जाती है ना तो हो ही जाती है, फिर इसके बाद तुम करते रहो मट्टी पली उसकी जो भी करनी हो तुम्हें। वो जितना तक पहुंचनी थी ना पहुंच चुकी वीडियो, सबने मज़े भी ले लिए, कमेंट भी कर दिए अच्छे अच्छे, जापानीज़ में भी कमेंट किया है उन्होंने, उस लैंग्वेज में भी कमेंट किया है। वो जो बंदा है ना यूट्यूबर, वो तो खैर जापान में रहता है, और भाई साहब उस बंदे ने, उसको तो आती है तो उसको तो बेवकूफ़ आसानी से बना नहीं सकते, तो उसने उसको पूरा ट्रांसलेशन भी किया, तब आपको पता चलेगा कि वो जापानीज़ में मज़े ले रहे हैं। वैसे तो अंग्रेजी और हिंदी में बोल बोल कर माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन अपनी लैंग्वेज में वो पूरे मज़े ले रहे हैं अभी भी उस वीडियो पर। मुद्दा क्या है पूरा बताता हूँ। अब किसी ने अगर डाउनलोड कर रखी हो वीडियो ऑलरेडी उनके पास हो तो वो देख सकते हैं, ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। दो बस की पॉइंट है, एक है 2:13 पे, यानी कि 2:13 पे, उसमें आप देखना कितनी घिनौनी हरकत करी है इन लोगों ने। मतलब यार हमारे करी को लेकर इतना स्टीरियोटाइप कर दिया, करी करी कर रहे हैं कि हम नंगे होके नाचते हैं, करी और ये और तेरे और माँ के पेट में करी पल रही है, मतलब इंडियन को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे मतलब माँ के पेट में करी पल रही है। वाह यार क्रिएशन देखो इन लोगों की। दूसरा की पॉइंट 5:02 पे, साफ साफ हमारे जो हिंदू धर्म में गणेश जी को, ठीक है, गणेश जी जो पूरे हिंदुस्तान में पूजे जाते हैं, ठीक है ना, उनको जिन बना दिया भैया, उनको बंद कर रखा है और फिर ऐसे ऐसे करके घसीटा तो फिर उसमें से जिन प्रकट हुआ, उनको जिन बना दिया। और ये इतना सेंसिटिव मुद्दा है, तुम किसी और धर्म पे ये चीज़ करके दिखा दो भाई साहब आग लग जाएगी घर में, वो तो हम ही हैं। और सबसे बड़ी बात पता क्या है, हम ऐसी टॉपिक बोलते हैं ना अपने ही जितने लोग हैं ना आसपास के, उल्टा हम ही समझाना शुरू कर देते हैं कि भाई तू क्या यार ये धर्मवाद फैला रहा है यार, ये तू कैसी ऐसी बातें कर रहा है, अबे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या चल रहा है, तुम क्या इतने अंधे हो? तो भैया अपनों को ही खड़ा होना पड़ेगा, समझनी पड़ेगी ये बात। बहुत हो गया, कुछ नहीं होता इन जैसों की वजह से ना, जो बाहर रह रहे हैं हम जैसे लोग, हमें सफ़र करना पड़ता। और ये स्टीरियोटाइप की बात मैं सिर्फ मैं एक कंट्री को लेकर क्या बात करूँ यार, होता क्या है कि कोई बेवकूफ़ी करता ना उसकी वजह से पूरे कंट्री का नाम खराब होता है। क्योंकि बाहर अब देखो ये चीज़ हुई, इससे पहले अभी कुछ चाइना ने भी किया था, तो होता क्या है कि हम फिर पूरे कंट्री को गाली दे देते हैं, क्योंकि हमारे लिए उसकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो है नहीं ना, हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कंट्री के बेसिस पे तो आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे यहाँ पर अगर कोई इंडियन भी कुछ कर देता है तो हम ये बोलते हैं यार वो तो इंडियन था, तो पूरे देश का ही नाम खराब होता है यार, सिर्फ एक किसी बंदे का नाम खराब नहीं होता है। तो ये चीज़ ना मुझे यार बहुत बुरी लगी कि तुम यार भगवान का मजाक उड़ा रहे हो, इतना रिच कल्चर, वो हमें बता रहे कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, करी करी करके बोल रहे हमें। अबे तुम साले चमगादड़ खाने वाले लोग हैं, तुम्हें मतलब क्या बोलूँ मैं, हमारी तो हर चीज़ में डाइवर्सिटी है, लैंग्वेज से लेके भगवान से लेके खाने से लेकर फेस्टिवल से लेके हर चीज़ में, तुम कहाँ स्टैंड कर, तुम देखो तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो। मतलब इनको सिर्फ ये चीज़ दिखाई देती है यार करी करी, और ये स्टीरियोटाइप दिखाई देता है, भगवान पे मजाक उड़ा देते हैं और हम हंसते रहते हैं बहुत फनी वीडियो है, इन्हीं चीज़ों पर मजाक बनता रहता है।
कहाँ कहाँ पहुँच गए इंडियंस, और हर जगह मौजूद है आज वर्ल्ड लीडर्स में, पता नहीं पूरे इतना बड़ा, इतनी बड़ी दुनिया है और हर देश में कहीं ना कहीं मौजूद है। पर इनको यार सिर्फ ये चीज़ दिखाई देती है, मतलब इतनी बेवकूफ़ी वाली बात है ना यार, व्यू पाने के लिए और ये सब करने के लिए तुम कुछ भी करोगे। और हम सहते रहेंगे भैया 2021 से ही है, अब लॉकडाउन हो रखा है, ठीक है, कोरोना फैला हुआ है, और ऐसा नहीं है कि उनके देश में नहीं आया हुआ, ठीक है ना, यहाँ पर इंडिया में भी आई हुई है, वहाँ पर भी आई हुई है। मैं सोच रहा हूँ ऐसे टाइम पर क्या दिमाग चलता है इनका कि यार कुछ इस टाइप की क्रिएशन करते हैं, ठीक है ना, सब लोगों ने आके मिल के बैठे, स्क्रिप्ट लिखी गई, पूरा गाना शूट हो गया, सब कुछ हो गया। अबे वैसी मुद्दे कम है क्या, वैसी परेशानियाँ इतनी फैली हुई हैं, उनको छोड़ के फिर तुम अपनी क्रिएशन में भी हग रहे हो। अबे भैया, अबे यार क्या कर रहे हो, मतलब कुछ जीवन का कुछ मकसद है या नहीं है। 50 जो इस टाइम जो इंपॉर्टेंट मुद्दे चल रहे हैं कोरोना को लेकर, पहले उनसे लड़े, फिर तुम जैसे बेवकूफों से लड़े। मतलब मुंह में गाली आ रही थी लेकिन वो बेवकूफ़ निकल गया, लेकिन आप ना उसको बहुत अच्छे तरीके से रिप्लेस कर सकते हो, एक वर्ड है जो हम बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है, समझ गए ना, वेरी गुड। कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो उस पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन जो चाहिए अच्छे से, उसने अपनी वीडियो में बताया कि जब हुआ था ना यूट्यूब का जो भी होता है ये फैन फेस्ट टाइप जो होता है जापान में, अकेला गया था पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करने, उसकी वीडियो ज़रूर देखना, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है उसने, और उसको सपोर्ट दिखाना यार, ऑलरेडी जानते हो उस मुद्दे को, बहुत अच्छी बात है, सपोर्ट करो, नहीं जानते हो तो पहले समझो, देखो क्या हो रहा है, और भैया आगे आओ। इस पूरी वीडियो का मतलब ये नहीं है कि मैं हेट फैलाऊं या फिर कुछ करूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए, सपोर्ट आप ही लोगों को करना है, हम लोगों को मिल के करना है सपोर्ट, नहीं तो कोई कुछ नहीं है। कल को ना, आज किसी पे वार हो रहा है फिर किसी पे होगा, ये स्टूडियो टाइप चलता रहेगा दुनिया भर, जिंदगी भर चलता रहेगा। अब जो एशियन अटैक्स हुए थे और अभी भी जो हो रहा है, यहाँ पर भी जो हो रहा है, सब लोग आगे खड़े हुए ना, हम भी तो आगे खड़े हुए ना उसमें, क्योंकि यार हम भी तो एशियन है, यहाँ तो सीधा सीधा वार ही हमारे देश पे किया गया यार, तो कैसे चुप रह लेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ यार प्रोटेस्ट की बात छोड़ो, चलो कोई भैया ऐसा कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही हार्मलेस जो होता है प्रोटेस्ट वो करने को भी रेडी है, क्या करना है, कुछ नहीं करना ज़्यादा ज़्यादा, बस एक जगह रिपोर्ट ही तो करना है, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब डिजिटली और हार्मलेस जो होता है ना उस टाइप का प्रोटेस्ट भी क्या बोलूँगा, एक चोट लगी है भैया तो अपने ही आगे खड़े होंगे, और ऐसा नहीं है कि अपना आगे खड़े हुए हैं तभी जाकर वो वीडियो, तभी जाकर एम्बेसी तक बात पहुंची है, और तभी जाकर वो वीडियो उन्होंने प्राइवेट करी है। ये यार बहुत ही गंदा तरीका था किसी तरीके का फेम पाने के लिए, ठीक है ना, उसको जितना फेम चाहिए था ना उसने ले लिया, वो तो हो गया फेमस, क्या दिक्कत है, कैंडी फॉक्स अब हर कोई जान जाएगा, भले इम्पैक्ट छोटा हो बड़ा हो। तुम्हें लग रहा होगा कि यार ऐसी तो और भी वीडियोज है, उन पर क्यों नहीं बोल रहा, भैया कहीं से तो शुरुआत करोगे, या बिल्कुल ही छोड़ दिया, आके बंद कर लिया, इतना भी नहीं कर सकते ना कि उस चैनल को जाकर रिपोर्ट करो, तो पहले तो अपना फोन जला दो, क्योंकि मुझे पता है खाली टाइम पूरा है, लॉकडाउन है, पूरा बढ़िया इंटरनेट चल रहा है, क्योंकि वो बंदा भी जो है ना उसने फेस किया है, वो भी बाहर रह रहा है, हम जैसे और मेरे जैसे पता नहीं करोड़ों लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो इस चीज़ को यार इस चीज़ पर बोलना बहुत ज़रूरी है, सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। चैनल का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, कैंडी फॉक्स करके नाम है, जाओ और रिपोर्ट करो। बाकी बस आप लोग पूरे समझदार हो, ज़्यादा और कुछ नहीं कहना, थोड़ी आज टोन मेरी हाई हो गई वीडियो में, लेकिन समझाने के लिए ज़रूरी था, ठीक है। जाते जाते एक और बात, कुछ नहीं पता, YouTube प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, कोई कहीं से भी आके ना किसी तरीके से, क्या पता मेरे चैनल पे आके भी रिपोर्ट कर दे या फिर कुछ भी कर दे, तो ऐसा पॉसिबल है कि कोई स्ट्राइक मार दे इस चीज़ को लेकर, लेकिन कोई घबराने वाली बात नहीं, कोई नहीं है, ये मुद्दा तो सामने लेके आना ही था, तो कम से कम बात तो पहुँचेगी जहाँ पर मुझे बचानी है। तो यार अगर मैंने इस प्लेटफॉर्म को इतना अच्छा यूज़ भी नहीं किया तो फिर क्या यूज़ किया, अब मैं इनकी तरह तो हूँ नहीं कि बेवजह का जो है क्रिएशन लाता रहूँ और किसी और के कल्चर को हर्ट करूँ, बेवजह उनके सेंटीमेंट्स को हर्ट करूँ, उस टाइप का तो मैं हूँ नहीं, और ना मैं इस टाइप का हूँ कि यार कुछ भी हो रहा है तो यार सहते रहो, हमें तो मज़ा आ रहा है। ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगा, वीडियो भी लंबी हो रही है, लेकिन इस चीज़ को बस समझना, ये मुद्दा है जो कि बहुत ज़रूरी था, ये छोटी छोटी बातें ना इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी बातें हो जाती हैं, तो इन मुद्दों को भी थोड़ा हाईलाइट करने की ज़रूरत थी। तो बाकी आप लोग समझदार हैं, बस मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, ठीक है, लेते रहिए ज़िंदगी में फुल मौज।